बोलो इवतु 19 अक्टोबर इदे इवाग बेळगे 8 गंटे आगता इदे जेवर्गी इदु गवर्नमेंट जेवर्गी हॉस्पिटल इल्ली ओब्बरु कूड ओब्ब सिब्बंदी इल्ल यारु कूड नर्स इल्ल यारु डाक्टर इल्ल एल्ल ओपन एल्ल यारु सिंगल डाक्टर कूड इल्ल सिंगल नर्स कूड इल्ल पेशेंट बर्ता इद्दारे आदरे यारु नोडक रेडिल्ल आजे जेवर्गी का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर एक भी नर्स नहीं है इसके अंदर हम लोग वीडियो है इसके अंदर एक भी नर्स नहीं है 8 बजे हैं तो ये डॉक्टर DHO की नेग्लिजेंसी है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नेग्लिजेंसी है और यहाँ के MLA की नेग्लिजेंसी है कि ये गरीबों का हॉस्पिटल है यहाँ पर गरीबों को देखने वाले कोई नहीं है यहाँ पर सब हॉस्पिटल एक डॉक्टर भी नहीं मिलेगा एक नर्स भी नहीं मिलेगा तो बताइए अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की यह हालत है तो जो गरीब जो पेशेंट है वो कहाँ जाना है तो इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इमीडिएट ये हॉस्पिटल के जो PHO हैं उनके ऊपर जल्द से जल्द लीगल एक्शन लो और यहाँ पर जो डॉक्टर रात में नहीं रहते अभी तक नहीं हैं तो इनके ऊपर भी सब लोगों को निकालना चाहिए और यहाँ पर जो भी दूसरा स्टाफ यहाँ पर लाना चाहिए अगर ये लोग गरीबों को नहीं देखेंगे तो किसको देखेंगे तो हम लोग ये डिमांड करते हैं कि इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट जो हमारे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैं वो गवर्नमेंट को हॉस्पिटल को आकर विज़िट करें देखें आकर क्या चल रहा है यहाँ पर सिर्फ दवाखाने खाली हैं पेशेंट आने आए तो भी कोई देखने के लिए तैयार नहीं है डॉक्टर ही नहीं है तो पेशेंट जाना कहाँ पर कोई आते हैं बाहर बैठते हैं कोई पेशेंट आता है तो गुलबर्गा जो बोलते हैं आप हम लोग ने पूरा जाँच पड़ताल किया है पूरा रूम में जाकर हर एक रूम को देखा है कोई भी नहीं है तो इमीडिएट हम लोग अभी तहसीलदार से भी बात करने वाले हैं और DC साहब को भी कॉल कर रहे हैं उनका फ़ोन स्विच ऑफ दिखा रहा है तो इसलिए आज ही का आज डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को हम एक कंप्लेंट देंगे कि यहाँ के THO को निकालें और निकाल कर ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल के खासकर जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे कर्नाटक सरकार है इसके ऊपर तवज्जा दे इतना कहते हुए मेरे बात को खत्म करता हूँ आप बोलो हम देखो बोलो बोलो देखो भाई ये जो है ना कि जेवर्गी का गवर्नमेंट सरकारी अस्पताल है और यहाँ की जो है ना आज 19 तारीख है अभी हम यहाँ पहुँचे यहाँ आने के बाद पता चला कि ना इन्होंने एक डॉक्टर है ना कोई नर्स मौजूद है लोग गरीब लोग जो है ना कि जो मजबूर जो बेबस जो लाचार लोग होते हैं वो अपना इलाज कराने के लिए जो है ना कि सरकारी दवाखाने को आते हैं और यहाँ पर उनको कोई पूछने वाला और देखने वाला तक मौजूद नहीं है तो फिर क्या हाल होगा उनका कहाँ जाएंगे वो लोग कम से कम एक नर्स तो होने चाहिए तो फिर वो लोग किसके सामने जाकर शिकायत करेंगे इसके बारे में जो है ना कि हम सबको सोचना है हम सबकी जिम्मेदारी है अगर खुदा न खास्ता अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट आता तो उसकी क्या हालत होगी अब वो बेचारा प्राइवेट हॉस्पिटल तो जा नहीं सकते तो ऐसी कंडीशन में वो लोग जाएंगे कहाँ और किसको पुकारेंगे तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन लोगों के खिलाफ जो है ना कि एक्शन लें और इसके लिए हम जो है ना कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी शिकायत करेंगे और तहसीलदार साहब के पास भी जाने वाले हैं और जाएंगे ज़रूर क्योंकि ये हालत आज एक दिन की नहीं है कई दिनों से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ना कोई नर्स है ना कोई डॉक्टर्स है इसलिए जो है ना कि हम ये रिक्वेस्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी और कर्नाटक सरकार से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके ऊपर जो है ना खास कर एक्शन लें और तवज्जो दें।